बुधवार को गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा में आ गया है। बीते दिनों सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज क्रिकेट मैदान पर चल रहे अंडर 16 के क्रिकेट ट्रायल के दौरान संत कबीर नगर के क्रिकेटर प्रशांत पांडे ने GCA के सचिव और संयुक्त सचिव शफीक सिद्दीकी पर मेडिकल टेस्ट के नाम पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक राणा सुनील सिंह ने GCA पर विभिन्न तरह के आरोप लगाए हैं। ऑल इंडिया क्रिकेट संघर्ष समिति के संयोजक राणा सुनील और क्रिकेटर प्रशांत पांडे ने कहा, जो है अंडर 16 का जो मेडिकल हुआ उसमें 700 रुपये लिया गया, लेकिन होप हॉस्पिटल केवल 500 रुपये लेता है। किसी भी खिलाड़ी को इन्होंने रसीद नहीं दी है और मेडिकल रिपोर्ट मांगने पर किसी को नहीं दिया जा रहा है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में जो लड़का पास है अंडर 15 दिखा शो कर रहा है होप हॉस्पिटल ही, ये उसको अंडर 16 से ओवर एज कर रहे हैं। आखिर किस बात पे, आखिर मेडिकल कराया किस लिए गया है? मेडिकल से ही शुरुआत हो चुकी है इनके। अब किसी खिलाड़ी को कोई मेडिकल रिपोर्ट न GL तिवारी दे रहे हैं, न शफीक सिद्दीकी दे रहे हैं। बदतमीजी की पराकाष्ठा है। हमारे साथ प्रशांत पांडे भी बैठा हुआ लड़का। ये दोनों लोग कौन है? ये प्रशांत पांडे जो है, ये अभी इस बार उसका हुआ है, इनको मेडिकल में होप में बुलाया था और ये हमारे रिपोर्ट में जो मैंने करवाया उनसे होप से ही वो 15 साल दिखा रहा है, ये 16 साल से बड़े दिखा रहे हैं। आखिर किस बेस पे, और मेडिकल रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं। कौन है ये लोग? ये GL तिवारी जो गोरखपुर क्रिकेट संघ के सचिव हैं और शफीक सिद्दीकी जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने सिलेक्शन जो किया है डिस्ट्रिक्ट की टीम अभी तक नहीं पता। अंडर 19 का मैच चल रहा है लेकिन किसी को नहीं पता है, केवल फोन से इन्होंने बुला लिया और किसको खिला दिया किसको नहीं, इससे कोई लेना देना इनका नहीं है। ये अपना अपना काम करे चले जा रहे हैं। अंडर 16 का भी हुआ, किसी प्रेस को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि कैसे सिलेक्शन हुआ, क्या मापदंड है, कुछ नहीं मालूम हुआ। कौन से सेलेक्टर कब गए, क्या कहे, कौन सा सेलेक्टर है, आप बड़रौना में कौन से गए और बस्ती में कौन गए, आप संत कबीर नगर में कौन सेलेक्शन लिए, सिद्धार्थ नगर में कौन लिए, गोरखपुर में परवेज हसन ले रहे थे जो आतिफ अकेडमी के कोच हैं, और कोई भी कोच सेलेक्टर नहीं बन सकता, ये UPCA की गाइडलाइन है। सभी जगह केवल कोच गए हैं और उन्होंने सेलेक्ट किया अपने मन माफिक, शफीक सिद्दीकी ने सेलेक्ट किया, प्लेयरों के साथ नाइंसाफी किया, तमाम खिलाड़ी जो है अच्छे हैं उनको काटा गया है। जो UPCA का धंधा है सिर्फ गोरखपुर ने अपना धंधा यहाँ पर भी चालू कर रखा है। आज मेडिकल रिपोर्ट वो भी नहीं देते हैं, मेडिकल रिपोर्ट ये भी नहीं दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जितने अंडर 16 के खिलाड़ी जिनका मेडिकल हुआ है उनको पहले तो 700 की रसीद देंगे और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट दें, उससे बहुत कुछ पता लग जाएगा कि क्या है इनके हाथ में और इनका फ्रॉड जो है, इनका जो भ्रष्टाचार वो सबके सामने आ जाएगा। रिपोर्ट है मेडिकल, ये होप हॉस्पिटल की मैंने रसीद लगा दी है 500 की, ये 700 रुपये लिए हैं, ये बालक बताएगा 700 रुपये इससे लिया गया है और ये इस रिपोर्ट में बता रहा है कि 15 साल का लड़का है और ये कह रहे हैं 16 साल से बड़ा है। मेरा नाम प्रशांत पांडे है। प्रैक्टिस कहाँ करते हो? संत कबीर नगर में, रामलाल यादव हमारे कोच। क्या मामला जी? हम लोगों का अंडर 16 का ट्रायल होगा, उसके बाद कॉल गया कि मेडिकल जाँच लोग गोरखपुर आए सेंट एंड्रयूज, तो हम सेंट एंड्रयूज गए सिद्दीकी सर के पास, तो वहाँ 700 रुपये लिए हम लोगों से और रसीद भी नहीं दिए। मेडिकल जांच हुआ और मेडिकल जांच पे भी वो हॉस्पिटल गए, वहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं मिली हम लोगों को, और रिपोर्ट मांगने पे हम लोगों को डांटे कि ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, कान के लिए डिस्टर्ब करे, जो हम लोगों को करना होगा हम करेंगे, तुम लोगों का जाँच हो गया, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। किसने कहा जी? वहाँ एक सर थे, उनका नाम तो नहीं पता, लेकिन वहाँ मतलब सिद्दीकी सर के पास रहते हैं, वो कोचिंग देते हैं बच्चों को, वही लेके गए थे हम लोगों को मेडिकल जांच के लिए, तो हम लोगों को डांटे, उसके बाद से कोई रसीद भी नहीं दिए और डांट के घर खड़े दिए कि मतलब जाओ तुम लोगों का जिसका होना होगा उसके पास कॉल जाएगी। क्या चाहते हो, क्या मांग है तुम्हारी? जी हमारी मांग है कि हमको हमारा मेडिकल रिपोर्ट केवल मिले, किस मतलब किस बेस पे हमको ओवर एज किए, रसीद मिले जी, रसीद मिले और मेडिकल रिपोर्ट मिल जाए, बस यही मांग है। जब इन आरोपों के संबंध में गोरखपुर न्यूज ने गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव शफीक अहमद सिद्दीकी उर्फ समूह से पूछा तो उन्होंने कहा, गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं और आप पे सर कुछ आरोप, गंभीर आरोप लगाए गए हैं कुछ खिलाड़ियों द्वारा और कुछ संस्थाओं द्वारा, क्या उस पर सर सकते हैं?
जो आरोप लगाया गया है कि 700 रुपया लिया गया, ऐसा कोई धन नहीं लिया गया, 400 रुपया लोगों से लिया गया। कुछ विरोधी तत्व हैं जो कि खिलाड़ियों को भड़काते हैं, सड़क को उतरते हैं, यही कर रहे हैं। आप ये भी आरोप लगाया गया है कि सिलेक्शन के नाम पर भी पैसा वसूला जाता है, प्लेयर के नाम पे? कोई पैसा नहीं वसूला जाता है। चयन समिति सिलेक्शन करती है, उसके लिस्ट देती है और उन्हीं खिलाड़ियों को बुला लिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले जो ट्रायल हुआ है आपके वहाँ, तो अथराइज्ड व्यक्तियों ने ट्रायल लिया है उसका? हाँ, अथराइज्ड व्यक्तियों ने लिया है। तीन तीन की चयन समिति थी, उसने जा जाके ट्रायल लिया है। क्रिकेट संघर्ष समिति के एक संयोजक राणा सुनील सिंह सर, इन्होंने भी आपके ऊपर सर गंभीर आरोप लगाए हैं कि ट्रायल के नाम पे धन उगाही होती है और जीसीए में भ्रष्टाचार व्याप्त है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है वो कहेंगे भ्रष्टाचार हो रहा है, हमसे धन लिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो धन ले के सिलेक्शन होता है, ऐसा कहेंगे। और उसके बाद यूपीसीए की चयन समिति आती है, वो करती है। सर, जो भी मैच चल रहे हैं इसमें जीसीए जो करा रही है, उसका सर अपडेट सर कैसे देते हैं आप? अपडेट मतलब जानकारी उसकी कैसे देते हैं? जानकारी फोन द्वारा सबको ले लिया जाता है।